आधार का जो फॉर्मूला होता है ये वाला, कर्ण कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना है यहाँ 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू है 12 का स्क्वायर की, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको माइनस करेंगे तो 25 बचता है, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, यानी कि फिर इसका एक पेयर यानी कि एक जोड़ा होगा तो ये निकल के मेरा 5 आ जाता है, यानी कि इस कंडीशन में मेरा आधार का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन ऐसा ही रहे, हम लोगों को निकालने बोले, मान लेते हैं कि आधार का वैल्यू दे दिया है, आधार बराबर 5 दे दिया, कर्ण निकालने बोले, क्या निकालने बोले, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर हम लोगों को निकालना, तो कर्ण बोला, कर्ण का जो फॉर्मूला जो होता है हम लोग पढ़े कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण जब बड़ी भुजा निकालने बोले ना, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं रूट के अंदर और स्क्वायर कर देते हैं उसका, तो लंब का वैल्यू कितना है हम लोगों का 12 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू कितना है 5 है ना, और 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और ये 25, जब ये दोनों का ऐड करते हैं जोड़ते हैं हम लोग 169 आया, तो 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 13 यानी कि 13 × 13, और एक जोड़ा है, एक जोड़ा का स्क्वायर रूट में से बाहर निकल के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है बाहर, यानी कि कर्ण का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल गया, 13 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग निकालना सीख गए कि लंब कैसे निकाला जाता है, कर्ण कैसे निकाला जाता है और आधार कैसे निकाला जाता है। फिर हम इसी के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति का जितना भी जो है फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, फॉर्मूला को लिखना है, जैसे कि ये इसमें हम लोग त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर जो है वो उसमें त्रिकोणमिति का 6 फॉर्मूला होता है, जिसमें आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा, है ना। ये हम लोग तीन चीज के बारे में पहले पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद साइन का फिर हो जाता है हम लोगों का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग टेन, उसके बाद कॉट थीटा, यानी कि ये 6 हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ये 6 साइन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति जो हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1, उसमें फॉर्मूला पे ही है, जितना फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, यानी कि फॉर्मूला को कुछ याद करने का भी कुछ तरीका होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सॉरी साइन थीटा का हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइन थीटा का सूत्र जो होता है हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब है, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण, है ना। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी कि कॉसेक का जब भी फॉर्मूला बोले निकालने के लिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना, कर्ण बटे लंब। अब ये दो हो गया हम लोगों का, है ना, अब ये दोनों करेंगे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, है ना, और कॉस का उल्टा ही सेक होता है ना, सेक थीटा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला निकलता है इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाता है
कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया हम लोगों का अब टेन और फोर्ट के बारे में, उसका फॉर्मूला क्या होता है टेन का। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, है ना। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि कॉट का जब निकालेंगे हम लोग कॉट थीटा बराबर, है ना, तो उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम सभी का फॉर्मूला, हम लोग सभी का फॉर्मूला के माध्यम से सबका वैल्यू निकालेंगे, है ना। अगर इसमें दिया हुआ है कि मान लेते हैं इसका दिया हुआ लंब दिया हुआ 12 दिया है, कर्ण दिया है 13 दिया है, और आधार 5 दे दिया है, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से हम लोग जैसे कि बनाएंगे हिसाब कुछ, है ना, या तो 2 दिया है 1 निकालना, हम लोग आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, तभी हम लोग जब निकालेंगे तो कर्ण कैसे निकालेंगे ये पहले बता चुके हैं कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण कर्ण यानी कि क्या हो गया, कर्ण का नाम हम लोग ऐसे पी आर भी बोल सकते हैं, है ना। कर्ण कर्ण यानी कि इसका हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कर्ण जो है पी आर, पी आर लंब का वैल्यू है पी क्यू का स्क्वायर और आधार का है क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पी आर जब निकालेंगे तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे, तो निकलता 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये दोनों ऐड होके 169 होगा, ठीक है 169 होगा। 169 को 13×13 कर सकते हैं हम लोग, वन पेयर यानी कि एक जोड़ा का वैल्यू निकलेगा 13 निकल गया, यानी हम लोगों का ये कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया 13 निकल गया। अगर बोल दे कि साइन थीटा का मान निकाल, साइन थीटा, थीटा यहाँ तो साइन थीटा होगा, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े लंब बटे कर्ण पढ़े, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब यानी कि लंब क्या है पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर, पी आर, तो लंब का वैल्यू कितना है हम लोगों का 12 लिए और कर्ण का वैल्यू कितना है 13। ये हम लोग का साइन का वैल्यू निकलेगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, है ना। तो कोसेक का जब मान हम लोग निकालेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, यानी कि इसका नीचे वाला ऊपर, उसका ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग जब निकालें कॉस का, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाता है आधार बटे कर, आधार बटे कर, तो आधार का वैल्यू क्या है, आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर, और कर्ण क्या है पी आर, पी आर, तो आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 3, यानी कि ये मेरा कॉस का निकल गया। अब जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का जब निकाले हम लोग सेक थीटा, तो क्या हो जाता है कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, यानी कि इसका 13 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाता है, ये हम लोग का सेक का निकल गया। फिर हम लोग अगर टेन का निकालते हैं, इसी टेन का, टेन टेन इसका होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। अब लंब यहां क्या है
PQ आधार क्या है QR PQ का वैल्यू कितना है 12 है, QR का वैल्यू 5 है, यानी tan थीटा का मान निकल गया। अब tan थीटा का मान निकल गया तो हम लोग अब की tan का उल्टा cot होता है तो हम लोग cot का वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा, cot का tan का उल्टा होता है तो इसका 12 बटे 5 है तो इसको 5 बटे 12 कर देंगे, ये cot का वैल्यू निकल गया। तो इसमें देखना है सिंपल सी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, वीडियो पुश कर दो तो ऊपर वाला दबा।